नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर आएंगे, जहां राजनाथ सिंह प्रदेशवासियों को कई सौगात देंगे। करोड़ों की 353 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उद्योग व्यापार मंडल में होली मिलन समारोह में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। साथ ही कॉल्विन कॉलेज ग्राउंड में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शाम 5:30 बजे डिवाइन हॉस्पिटल कार्यक्रम में जाएंगे। वहीं दूसरे दिन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि माटी के मसीहा पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वहीं करोड़ों की सौगात भी देंगे प्रदेशवासियों को। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर आएंगे, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? विवेक से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बता दें करोड़ों की 553 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे रक्षा मंत्री। बता दें लखनऊ में 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। उद्योग व्यापार मंडल में होली मिलन समारोह में शामिल राजनाथ सिंह होंगे। और एक बार फिर से संवाददाता विवेक शाही का रुख करेंगे। विवेक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आ रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, क्या कुछ पूरा शेड्यूल होगा? देखिए मोरी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और लखनऊ जो है वो उनको दूसरा घर भी कह सकते हैं। लखनऊ की जनता अब भी जो है वो राजनाथ सिंह को प्यार करती है, राजनाथ सिंह को पूरा सम्मान देती है। और जिस तरह की बात की जाए तो राजनाथ सिंह का अभी भी जो है यहाँ पे जनाधार लखनऊ में है, व्यापार मंडल की एक बैठक में वो शामिल होंगे, होली मिलन समारोह में वो शामिल होंगे। और जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि 2024 के आम चुनाव में ज्यादा समय अभी बचा नहीं है, तो राजनाथ सिंह का आना जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं में एक उत्साह पैदा करेगा कि देश के रक्षा मंत्री आएंगे, उन कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के अलावा निकाय चुनाव भी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और निकाय चुनाव में परचम फहराने के बाद वो लोकसभा चुनाव की पूरी रणनीति के साथ तैयार होगी। संगठन का विस्तार की बात चल रही है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलके आए थे। और इस तरीके से देखा जाए तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को 24/7 की पार्टी कहा जाता है, कार्यकर्ता है इसके 24/7 हमेशा ही तैयार रहते हैं संगठन के लिए, तो इतने बड़े पदाधिकारी का आना, देश के रक्षा मंत्री का आना कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेगा आने वाले चुनाव के लिए। और जो व्यापारी वर्ग जो होली मिलन समारोह है उसमें वो शामिल होंगे और उनसे जो है एक बैठक एक बातचीत करेंगे। विवेक, प्रदेश वासियों को क्या कुछ सौगात मिल सकती है? देखिए राजनाथ सिंह के आने के बाद यहाँ के विकास कार्यों का भी वो जायजा लेंगे कि दूसरी बात, जो देश के रक्षा मंत्री हैं तो निजी क्षेत्र में जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत बनने के प्रयास हो रहा है, निजी क्षेत्र में रक्षा के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहा है उसमें भारत जो है अब अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसके बाद अगर बात की जाए तो इसके पहले हम विदेशों से जो है वो रक्षा के क्षेत्र में हथियार उपलब्ध कराते थे या फिर हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराते थे, अब भारत जो है खुद जो है आत्मनिर्भर बन रहा है हथियार के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है। भारत एक अग्रणी देश के रूप में उभर भी रहा है, एशिया में इस समय सबसे बेहतर पोजीशन में भारत जा रहा है, क्योंकि हम ये सब देख सकते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका की हालत क्या है। इस समय चीन सिर्फ हमारे बराबरी पे खड़ा रह सकता है, लेकिन हर तरीके से अगर देखा जाए तो रक्षा मंत्री का आना एक अलग किस्म की चीजें देखी जा सकती है। इसमें जिस प्रकार से आने वाले चुनाव है कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन मिलेगा, कुछ दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को मिलेगा,
संगठन भी विस्तार की बात हो रही है, तो तमाम तरह की चीजें हमें हुई। रक्षा मंत्री दो दिवसीय उत्तर प्रदेश के लखनऊ के दौरे में रहेंगे। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की हड़ताल से बिजली आपूर्ति चरमरा गई है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और मेरठ समेत कई शहरों में हड़ताल के पहले दिन ही जबरदस्त संकट पैदा हो गया। वहीं इस हड़ताल पर सरकार लगातार सख्त रूप अपना रही है, जहां पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के संस्थाओं पर बड़ी कार्रवाई हुई। कुशीनगर जिले में 150 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। बता दें कि कसिया में 17 कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है। प्रतापगढ़ जिले में 25 कर्मी बर्खास्त हुए हैं। इसके अलावा बलिया में 12 कर्मियों पर कार्रवाई की गई है। देवरिया में 24 कर्मी बर्खास्त हुए हैं। गोरखपुर में भी 14 कर्मी बर्खास्त हुए हैं। पूर्वांचल वितरण निगम में 242 पर कार्रवाई की गई है। बता दें बिजली कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है और इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव हमसे जुड़ेंगे। रितेश, प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की लगातार हड़ताल जारी है और उन पर कार्रवाई भी की गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी? उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मी 72 घंटे के सांकेतिक हड़ताल पर हैं। आज उसका दूसरा दिन है, आप देख रहे होंगे क्योंकि 24 घंटा बीतने वाला है उसके बाद। अब ये 3 दिन का जो हड़ताल कहा जा रहा था, कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर इसका असर देखने को मिल रहा है। अब लखनऊ के जानकीपुरम स्थित GPRA पावर हाउस से है, यहाँ का बिलिंग काउंटर भी बंद कर दिया गया है। कल से बिलिंग काउंटर बंद है यहाँ पर। यहाँ पे कुछ उपभोक्ता है जो अपने बिल को जमा करने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर बिलिंग काउंटर बंद है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के जो बिजली कर्मी हैं, जो अभियंता हैं, अगर उनके मोबाइल नंबर की बात की जाए तो उनके जो सीओटी नंबर है वो भी लगातार स्विच ऑफ जा रहे हैं। और इसको लेकर के पूरे आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं, करीब 650 कर्मचारियों के ऊपर सरकार ने चाबुक चलाते हुए बर्खास्तगी की कार्रवाई की है। पूर्वांचल की बात की जाए तो पूर्वांचल में भी लगभग 242 कर्मियों के ऊपर यानी 6 संस्थाओं के ऊपर कार्रवाई कर दी गई है। फिलहाल ऊर्जा मंत्री की तरफ से स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जो लोग भी अगर इस पे लौटे नहीं, अपनी सर्विस पे नहीं लौटे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कल एक स्टेटमेंट में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने साफ कह दिया था कि यदि कोई अराजकता फैलाता है तो चाहे उसे आकाश या पाताल से ढूंढना पड़ेगा तो उसको ढूंढ करके उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी जो हाल फिलहाल में जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं चरमराई ही नजर आ रही है। बिजली विभाग के जो कर्मचारी है वो अपनी मांगों को लेकर उपभोक्ता नजर आ रहे हैं, आप उनसे बात करने की कोशिश करें, आखिर कितनी परेशानी हो रही है? देखिए कुछ उपभोक्ता जरूर है यहाँ पे आए हैं बिजली विभाग पे। आप यहाँ पर आए हैं, क्या नाम है आपका, इसलिए आए थे यहाँ पे जमा करने आए थे? जमा हुआ क्या बताया जा रहा है? आप पहुंच गए कितने दिन से यहाँ पे आ रहे हैं जमा करने, आप कब से आ रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे समस्या जबकि तक बनी हुई है, 2 दिन से बिलिंग काउंटर बंद है, कहीं ना कहीं राजस्व को हानि हो रही है। जो राजस्व आक्रोश है वो भी कहीं ना कहीं घाटे में जा रहा है। फिलहाल वैसे ही बिजली विभाग घाटे में चल रहा है, उसके बाद जो 3 दिन का हड़ताल है 72 घंटे का, ये कहीं ना कहीं समस्याओं का सबब बन रहा है। मयूरी, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो विद्युत की कटौती हुई है उससे सबसे बड़ा जो दिक्कत देखने को मिल रही है, कटौती की वजह से पानी की बड़ी किल्लत हो रही है। लखनऊ में अगर बात की जाए तो 10 लाख लोगों में पानी की किल्लत हुई है और समय समय पर उनको बिजली आपूर्ति न होने पर ये दिक्कतें सामने लगातार आ रही हैं। और जो कंपनियां हैं उस कंपनियों में विद्युत संचालन न होने की वजह से कुछ कंपनियों में कंपनियां भी बंद हुई हैं, जैसे कानपुर और वाराणसी और इलाहाबाद में, और सब जगह देखा जाए तो वहां पर कहीं ना कहीं दिक्कतें लगातार सामने आ रही है। लेकिन हाल फिलहाल में अभी जो विद्युत के कर्मचारी है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। फिलहाल हाईकोर्ट ने भी सख्त रूप अपनाया है और जमानती वारंट भी जारी कर दिया गया है। 20 तारीख को 10 बजे तक जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं उनको हाजिर होने के लिए भी कहा गया है। अब ये देखने वाली बात होगी, फिलहाल अभी संघर्ष समिति की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया है, अभी लगातार हड़ताल जारी। रितेश, देखा जाए तो अभी पूरे 72 घंटे भी नहीं हुए हैं, उससे पहले तमाम तरह की संकट देखने को मिल रही हैं, फिर चाहे वो पानी को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, तो कैसे इससे निपटा जाएगा?
देखिए मयूरी, सबसे बड़ी मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली पानी अगर नहीं होगा तो इंसान का जीवन यापन करना सबसे बड़ा मुश्किल का काम होगा। यदि बिजली नहीं रहेगी तो पानी की समस्या तो उत्पन्न होनी है, वो लगातार अब कल से देखने को मिल रहा है। लखनऊ के कई शहरों में जो शहरी इलाके हैं वहां पर जहां पर पानी की सप्लाई होती है टंकी के थ्रू या सबमर्सिबल के थ्रू, तो उस जगहों पर दिक्कत आता देखने को मिल रही है। लगातार लखनऊ की लाइट की आवाजाही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश ऑफिसर्स एसोसिएशन की तरफ से कुछ व्यवस्थाएं की गई है, वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई है और लगातार सरकार ये मांग भी कर रही है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री भी ये लगातार कह रहे हैं और लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं कि सब लोग इस समय साथ दें और समय इस समय विपरीत चल रहा है, इसके लिए साथ देना जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का साथ देना चाहिए। हाल फिलहाल में अपनी जो व्यवस्थाएं की गई है वो वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई है। अभी जो विद्युत कर्मचारी है वो अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं, निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, तो इस तरीके की जो समस्याएं हो लगातार बनी हुई और ये 72 घंटे तक का जो कार्यकाल है इनका हड़ताल का वो लगातार अभी चलने की उम्मीद जताई जा रही है। मयूर रितेश, ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? देखिए आज कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, जैसा की हाईकोर्ट ने पत्र अपनाया है जो और सरकार की तरफ से याचिका दायर की गई और कोर्ट ने साफ कह दिया था कि कोई भी विद्युत कर्मी हड़ताल पर नहीं जा सकेगा, अगर हड़ताल पर जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसको देखते हुए लगभग 650 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की गई है। अब कोर्ट कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर रहा है, 20 तारीख को बुलाया भी गया है, संगठन के जो संयुक्त संकट समिति के जो अध्यक्ष है उनको बुलाया गया है। अब बुलाने के बाद अब जो चीजें उनके साथ होंगी वो वहां पे अपनी दलीलें रखेंगे, उसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल ऊर्जा मंत्री का जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें कुछ बड़ा ऐलान होने की संभावना जताई जा रही है। वही होगी जी। धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। बता दें लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और मेरठ समेत कई शहरों में हड़ताल के पहले दिन ही जबरदस्त संकट पैदा हो गया है। वहीं इस हड़ताल पर सरकार लगातार सख्त रुख अपना रही है, जहां पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के संस्थाओं पर बड़ी कार्रवाई हुई। कुशीनगर जिले में 150 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। बता दें कि कसिया में 17 कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हुई है। प्रतापगढ़ जिले में 25 कर्मी बर्खास्त हुए हैं। इसके अलावा बलिया में 12 कर्मियों पर कार्रवाई की गई है। देवरिया में 24 कर्मी बर्खास्त हुए हैं। गोरखपुर में भी 14 कर्मी बर्खास्त हुए हैं। पूर्वांचल वितरण निगम में 242 पर कार्रवाई की गई है। बता दें 6 कार्यदायी संस्थाओं पर कार्रवाई की गई है। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। वहीं प्रदेश में हड़ताल के चलते तमाम तरह का संकट भी देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर लोग आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। वहीं विद्युत कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं। बता दें कर्मचारियों के हड़ताल से बिजली आपूर्ति चरमरा गई है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और मेरठ समेत कई शहरों में हड़ताल के पहले दिन से ही जबरदस्त संकट पैदा हो गया है। वहीं इस हड़ताल पर सरकार लगातार सख्त रुख अपना रही है। लगातार बिजली कर्मचारियों का हड़ताल देखने को मिल रहा है, जिसके कारण लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कहीं बिजली की समस्या पैदा हो रही है तो कहीं पानी का किल्लत देखने को मिल रहा है। वहीं कई लोग इन तमाम समस्याओं को लेकर आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। जहां पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के संस्थाओं पर बड़ी कार्रवाई हुई है। कुशीनगर जिले में 150 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। बता दें कि कसिया में 17 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। वहीं प्रतापगढ़ जिले में 25 कर्मी बर्खास्त किए गए हैं। इसके अलावा बलिया में 12 कर्मियों पर कार्रवाई हुई है। देवरिया में 24 कर्मी बर्खास्त हुए हैं। गोरखपुर में भी 14 कर्मी बर्खास्त हुए हैं। पूर्वांचल वितरण निगम में 242 पर कार्रवाई की गई है। बता दें पूरे प्रदेश में लगातार बिजली कर्मियों की हड़ताल देखने को मिल रही है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता कानपुर से अनिल हमसे जुड़ेंगे। अनिल, लगातार बिजली कर्मचारियों का हड़ताल जारी है, आप कानपुर में मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें? जी बता दूं, कानपुर में पूरी जो
व्यवस्था ठप पड़ पड़ी है, जैसे शहर के अभी कोनों में प्रदेश के पूरे कोने में पड़ी है लेकिन लगातार जिस हिसाब से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कल बनारस से ही पूरे सभी जितने भी कर्मी थे सभी को सचेत किया था, इस तरीके की घटना अगर भविष्य में दोबारा हुई तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जितने भी संविदा कर्मचारी थे लगभग कई संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त भी किया गया है। साथ ही कानपुर में ऐसी कुछ व्यवस्था कुछ खास खराब व्यवस्था देखने को नहीं मिली है, क्योंकि कानपुर में जितने भी IIT पॉलिटेक्निक और जितने रिटायर कर्मचारी थे सभी को नौकरी पर काम पे लगा दिया गया है। और जो MD है MD का साफ कहना है कि कानपुर में अगर कोई भी कर्मचारी इस तरीके की व्यवस्था फैलाने की कोशिश करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक शर्मा है उनका साफ है कि किसी भी प्रकार से किसी प्रकार को मांगों को नहीं सुना जाएगा, क्योंकि और जब हमने कानपुर के कर्मचारियों से बात करने का प्रयास किया तो कर्मचारियों का सीधा सा कहना था कि जो हमारी मांग नहीं है, जो कि जिन 14 मांगों पे हमने बात कही थी सरकार ने, अगर वो मांग नहीं की गई हम उसी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और अगर भविष्य में नहीं भी करेंगे तो इसके लिए हम और उग्र प्रदर्शन करेंगे। साथ ही जिस हिसाब से सूबे के मुखिया ने कल यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने भी इसका आदेश पारित किया है, आदेश पारित करने के बाद कई लोगों को लेटर भेजा है, चिट्ठी भेजी है, और साथ ही 20 तारीख को अगली तारीख पर तय की गई है और सभी को कोर्ट में बुलाया है। देखने वाली बात होगी कि आगे कर्मियों का क्या रुख होगा और साथ ही कानपुर में क्या व्यवस्था होगी। जी अनिल, देखा जाए तो अभी बिजली कर्मियों के हड़ताल को 72 घंटे भी नहीं हुए हैं, लेकिन उससे पहले तमाम तरह की संकट पैदा हो गई है, फिर चाहे वो पानी को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, तो इससे कैसे निपटा जाएगा? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से IIT के स्टूडेंट्स थे, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट थे, साथ ही जो भी कॉलेजेस थे जो कि इलेक्ट्रिक से संबंधित थे उनको नौकरी पर लगा दिया गया था। साथ ही नो वर्क नो पे का ऑप्शन भी कानपुर रखा गया था कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको किसी प्रकार से पे नहीं कर रहे थे। साथ ही कानपुर के कितने का सब स्टेशन है वहाँ पे सभी लोग काम कर रहे थे, और ये भी बता दूँ कि लगभग 90% कर्मचारी कानपुर में छुट्टी पे थे और लगभग 10% लोग पे देखा गया कि जहाँ लोग नहीं जा रहे थे। कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सहित 4 राज्यों में 5 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हुई। वहीं यूपी में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। लखनऊ में बीते दिन नए 3 मरीज मिले हैं। अब तक राजधानी में कुल 8 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। बढ़ते मामले के बीच स्वास्थ्य अधिकारियों ने मास्क लगाने की सलाह दी है। सभी मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, राजधानी में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। देश के कई इलाकों में कोरोना के संक्रमण ने फिर से दस्तक दे दी है और एक चिंता का विषय बनता चला जा रहा है। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन सभी जगहों से कम 5 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत भी हो गई है। उत्तर प्रदेश में कल जो है 3 नए मरीज मिले हैं और एक्टिव केसों की संख्या जो है वो लखनऊ में कुल 8 हो चुकी है और सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। आगे की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मास्क लगाने की बात कही है, सतर्कता बरतने की बात कही है, लेकिन अगर देखा जाए तो सभी सरकारी अस्पतालों की अगर बात की जाए तो लखनऊ के सभी सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कोई भी वैक्सीन जो है सरकारी अस्पतालों में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध है। एक समय जहां कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता चला जा रहा है, वही अगर बात की जाए तो सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन की सुविधा बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है, चाहे वो कोवैक्सीन हो, चाहे वो कोविशील्ड हो, किसी प्रकार की वैक्सीन किसी भी सरकारी अस्पताल में नहीं है। और अभी भी नई वैक्सीन की खेप आने में जो है कोई समय निर्धारित नहीं है, सिर्फ निजी केंद्रों पे ये वैक्सीनेशन हो पाएगी, तो चिंता का विषय है। एक समय जहां संक्रमण बढ़ रहा है, जो भी लोग वैक्सीनेशन छूटे हैं, सरकारी अस्पतालों के केंद्रों में वैक्सीनेशन की सुविधा बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। विवेक, बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों ने मास्क लगाने की सलाह दे दी है। देखिए, मास्क लगाने की सलाह जब ये पहले से ही जारी की गई थी, एडवाइजरी या सबसे पहले नंबर पे आते कि आप मास्क लगाएं, लेकिन हमने देखा है कि मास्क भी कितना किफायती होता है, ये हमसे छुपा नहीं है। ऐसे में हमें एहतियात बरतना होगा, अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करना होगा,
और लगातार जो है खुद को फिट रखने के साथ साथ वो सारी चीजें कर रही होगी जो जो हमें इस संक्रमण से निजात दिलाए। अगर किसी का वैक्सीनेशन नहीं है तो लगातार सरकार ये कह रही है कि वो वैक्सीनेशन कराए, बकायदा वैक्सीनेशन के लिए अभियान भी निकला था, लेकिन इस समय वैक्सीनेशन में रुचि नहीं लोग दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से सरकारी अस्पतालों में जो वैक्सीन थी वो धरी की धरी रह जाती थी, उसको वापस किया गया। और अभी सरकारी अस्पतालों में, किसी भी सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन की सुविधा इसीलिए उपलब्ध नहीं है कि लोगों ने इसमें रुचि लेना कम कर दिया, सिर्फ निजी अस्पतालों में ही वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध है। विवेक, जिस तरह से कोरोना के मामले सामने आए हैं, इसको देखते हुए अस्पतालों में कैसी व्यवस्था देखने को मिल रही है? देखिए, अभी चिंताजनक कोई बात नहीं है, जितने भी मरीज उत्तर प्रदेश के उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है, लेकिन हर जगह पे कोरोना के लिए अलग अलग वार्ड निर्धारित किए हैं। अगर ऐसी कोई दिक्कत की बात आती है तो राजधानी लखनऊ के सभी अस्पताल जो है वो सतर्क है और अपनी पूरी तैयारी के साथ है, लेकिन चिंता की अभी कोई बात नहीं है। संक्रमण की दर जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन फिर भी जो है लखनऊ के जो सभी अस्पताल है उन्होंने अपने यहाँ आइसोलेशन बेड बनाए हुए हैं, पहले भी बनाए हुए थे, और जितने भी मरीज है उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है और उनका बेहतर इलाज भी चल रहा है। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। कुशीनगर जनपद में मौसम परिवर्तन होने से जिला अस्पताल में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मौसम परिवर्तन होने के कारण जिला अस्पताल में इलाज और ओपीडी दफ्तर में भारी भीड़ उमड़ रही है। जिला अस्पताल में लंबी लंबी कतार में लोगों की भीड़ बढ़ जाने से घंटों लाइन में खड़े लोग इलाज कराने के लिए विवश हैं। अधिकांश लोगों को डायरिया, सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। इस विषय में जिला अस्पताल में कारक डॉक्टर इश निखार ने जानकारी देते हुए बताया कि आमतौर पर डायरिया के कारण पेट में ऐठन, मरोड़, दस्त होने की समस्या बनी रहती है। मरीजों को पर्याप्त मात्रा में जूस और पानी लेना चाहिए। बुखार और खांसी जुखाम के मरीजों को दवा के साथ गुनगुना पानी और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खबर पर हमारे संवाददाता ज्ञानेश्वर हमसे जुड़ेंगे। ज्ञानेश्वर, मौसम परिवर्तन के कारण लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी? अधिकांश रोगियों की संख्या बढ़ गई है, जैसे डायरिया, सर्द मौसम में सर्द बुखार के मरीज अधिकांश बढ़ गए हैं, जो जिला अस्पताल पे इसको देखने का नजारा मिल रहा है। जहाँ मरीज काफी लंबी लाइन लगा के कतार में खड़े हैं, तो वही डॉक्टर अपनी समुचित इलाज, सभी मरीजों को समुचित इलाज कर रहे हैं, वही दवाएं दे रहे हैं, वही जागरूकता भी कर रहे हैं, लोगों को जानकारियां दे रहे हैं कि इस मौसम में हम कैसे बचेंगे और दूसरों को कैसे बचाएंगे। जैसे कि डॉक्टर इस निखार जी से जब हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि इस बदलते मौसम में लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थ लिक्विड में लेना चाहिए और ठंडे चीजों का परहेज करना चाहिए। और जी ज्ञानेश्वर, जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अस्पतालों में कैसी व्यवस्था देखने को मिल रही है? जैसा कि आपको बता दें कि मरीजों की संख्या तो अधिकांश बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बता दें कि यह जो कुशीनगर के चिकित्सक हैं, यह काबिले तारीफ है कि सभी मरीजों को पूरी संतुष्टि के साथ समुचित इलाज करके उनको घर तक भेजा जा रहा है। या कहीं न कहीं कुशीनगर जिला संयुक्त चिकित्सालय की टीम को टीम बधाई के जो पात्र है। जी धन्यवाद ज्ञानेश्वर तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।